हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन दिस कक्षा। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना। अब देखिए, इसके पहले वाली डे 7 तक हम लोगों ने काफी हद तक काम कर लिया है और हम लोगों को काफी आइडिया आ गया है कि कैसे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस को हम लोगों को हैंडल करना होता है। आज हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की, द रेशियोज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जिसमें आप कई लोगों ने सुना होगा कि 90 साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा होता है, और उसके बाद सेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है। अब इसमें आप देखिए ध्यान से कि ऐसे सबसे पहली बात तो यही होती है भाई कि जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में डील कर रहे होते हैं तो उस समय हम लोग किस ट्रायंगल में काम कर रहे होते हैं, उस समय हम राइट एंगल ट्रायंगल में काम कर रहे होते हैं जिसमें एक एंगल जो होता है अपना वो 90 डिग्री होता है। फिर आता है ये क्वेश्चन कि भैया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं, क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है। तो सबसे पहले देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिन दो एंगल्स को जोड़ने पर वैल्यू 90 डिग्री आ जाती है। जैसे अगर हम तुमसे ये पूछें कि 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होगा, तो 45 डिग्री में हम क्या ऐसा जोड़ दें कि वो 90 डिग्री हो जाए, चलो जल्दी से बताओ भैया। 45 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब एक ऐसे लगा दो डैश टाइप का, तो इसका मतलब ये होगा कि 90 माइनस 45 तो ये कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। वैसे अगर हम ये पूछें कि 60 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कहोगे भैया 90 माइनस 60 इज इक्वल टू 30 डिग्री आएगा। ऐसे ही जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री होता है, उन दोनों कोणों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं, जैसे 60 का 30 आया और 45 का 45 आया। कल को अगर हमारे पास मान लो 72 आ गया, तो 72 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, 18 डिग्री होगा। या अगर कल को हमारे पास 89 आ जाए, तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट्री 1 होगा। अगर हमारे पास कल को 79 आ जाए तो 79 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, यस 11 डिग्री होगा। इस तरीके से हम लोगों ने अभी तक ये जाना कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहते हैं। तो जिन दो कोणों का मान 90 डिग्री होता है, ऐसे दो कोणों को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अब एक काम करते हैं कि जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये तो हम लोग सुनते आ रहे हैं, किताबों में छपा होता है, लेकिन ये वैल्यू होती ऐसी क्यों है, ये वैल्यू होती ऐसी क्यों है, आज हम लोग इस पर बात कर रहे होंगे इस लेक्चर में। तो चलिए देखते हैं, पहले ये बताइए कि अगर ये 90 डिग्री है मेरे भाई और इसको आज हम लोगों ने क्या ले लिया है, इसको हम लोगों ने थीटा ले लिया है, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली जरा बताओ तुम हमें, ये वाली वैल्यू क्या होगी, ये वाली वैल्यू कहोगे भैया ये 90 है, ये थीटा है, तो इसका मतलब अगर ये 90 है तो दिस प्लस दिस आल्सो इज इक्वल टू व्हाट, 90 डिग्री। भाई ये थीटा और ये एंगल सी, अब ये जो थीटा है, थीटा और प्लस एंगल सी, इन दोनों की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। तो यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि इस जो सी की वैल्यू है, एंगल सी यहां से क्या निकल के आने वाला, 90 माइनस थीटा ही तो निकल के आएगा ना भाई। तो इसका मतलब ये हो गया कि आज ये क्या हो गया, 90 माइनस थीटा। ओके, ये 90 डिग्री है, ये थीटा एंगल है, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई तो जरा हमें फटाफट ये बता दो कि इस थीटा एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ तो जरा, साइन थीटा की वैल्यू होगी एल्टीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस, बोले तो बीसी अपॉन एसी। ये सारी चीजें पता है हम लोगों को, इतना जान लेना।
अच्छा ये बताओ कि cos theta is equal to क्या होगा, cos theta is equal to, cos theta तो भाई बेस अपॉन हाइपोटेनस होता था, तो क्या होगा AB अपॉन AC, बोलो है ना, ये बात समझ में आई। चलो जल्दी से इधर आओ, उसके बाद ये बताओ tan theta क्या होगा, भैया tan theta is equal to क्या था, perpendicular, perpendicular अपॉन बेस था, तो perpendicular या altitude अपॉन बेस को क्या कह सकते हैं, BC, BC, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, बोलो है ना, ठीक है। अच्छा ऐसे ही बताओ cot theta is equal to क्या होता है, cot theta is equal to भी भैया हम लोग जानते हैं बेस अपॉन perpendicular होता है, तो बेस का मतलब AB, बेस का मतलब AB और बेस का मतलब AB और perpendicular का मतलब क्या हो गया BC। अच्छा ये बताओ कि sec theta is equal to क्या होगा, sec theta, sec theta is equal to होगा AC अपॉन, AC अपॉन AB, AC अपॉन AB। वैसे ये बताओ कि cosec theta is equal to क्या होगा, cosec theta is equal to क्या होगा, तो कहोगे cosec theta is equal to भैया AC अपॉन BC हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये 6 के 6 रेशियोज तो हमें पता है, बोलो है ना, अगर ये चीजें पता है तो आज हम लोगों को क्या करना है, यही चीज, यही चीज जैसे हम इसको करते हैं कि बेस अपॉन एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, है ना, जो होता है परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, है ना, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये सारी चीजें हम लोग आज देखेंगे किसके लिए, 90 माइनस थीटा के लिए, ओके। तो चलो हम लोग अब देखते हैं 90 माइनस थीटा के लिए, तो 90 माइनस थीटा के लिए जब हमें देखना हुआ तो जरा जल्दी से आओ यहां पे, अगर हम ये कहें, अगर हम ये कहें भाई, अगर हम ये कहें कि साइन 90 माइनस थीटा होगा, साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो ये बताओ इसके लिए, इसके लिए साइन मतलब ये 90 माइनस थीटा तो यही है, तो साइन 90 माइनस थीटा के लिए इस वाले एंगल के लिए आज, इस वाले एंगल के लिए आज अपना परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर आज ये है और बेस क्या है, ये है और हाइपोटेनस क्या है, ये है, अरे भाई ये लंब है, ये आधार है और ये कर्ण है, ये बात क्लियर है। चलो तो 90 माइनस थीटा के लिए जो लंब होगा, जो एल्टीट्यूड होगा या जो परपेंडिकुलर होगा, वो क्या होगा, एबी होगा, एबी अपॉन एसी, क्या होगा, एबी, एबी, एबी अपॉन एसी, ओके। अच्छा ये बताओ कि इस वाले रेशियो में एबी अपॉन एसी कहां है, एबी अपॉन एसी क्या यहां नहीं है, क्या यहां नहीं है, इसका मतलब जो 90 माइनस थीटा की वैल्यू थी वो कॉस थीटा लेके बैठा है, वो कॉस थीटा लेके बैठा है, यानी कि हम साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू एबी अपॉन एसी जो कह रहे हैं वो किसके बराबर है, वो बराबर है कॉस थीटा के, कॉस थीटा के। अब बात समझ में आई, अब बात समझ में आई कैसे होता है, कैसे होता है साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, ओके। ये बात आपको जबरदस्त समझ में आई होगी, आइए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट आइए कि अब हम लोग क्या करते हैं, कॉस थीटा लेते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, चला यहां ना, यहां ना, ये बताना कि इसके लिए कॉस की वैल्यू क्या होगी, इस थीटा के लिए 90 माइनस थीटा के लिए कॉस की वैल्यू क्या होगी, चला बताना, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू भैया होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, आज इसका बेस क्या है, आज इसका बेस बीसी है और हाइपोटेनस तो एसी है ही, तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं बीसी अपॉन एसी। जरा इधर आओ, तो इधर आओ कि बीसी अपॉन एसी कहां छपा है, बीसी अपॉन एसी तो भैया यहां छपा है साइन थीटा के सामने, साइन थीटा के सामने, बीसी अपॉन एसी तो साइन थीटा के सामने छपा है, इसका मतलब ये हुआ कि कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बीसी अपॉन एसी, और यही बीसी अपॉन एसी किसके बराबर है, साइन थीटा के बराबर है, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा। ये दोनों वैल्यू आपको अगर समझ में आई हो तो इसी इसी समय लाइक ठोको इसी समय, और अगला, और मैं ये चाहूंगा कि अगला अगला टेन थीटा की वैल्यू, अगली जो टेन थीटा की वैल्यू है वो आप खुद निकालो, वो आप खुद निकालो, टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू जरा निकाल के हमें बताओ, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा ब्रेक लो, थोड़ा सा ब्रेक लो और हमें निकाल के बताओ कि भाई हाँ कि ऐसे होगा, ऐसे होगा, तो मेरे ख्याल से रुके होंगे तुम लोगों ने, वीडियो को पॉज किया होगा, करने के बाद खुद टेन 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकाली होगी। चलो देखो क्या यही निकाले हो, क्या यही निकाले हो, देखो तो जरा टेन 90 माइनस थीटा, चलो जरा बताना तो भाई कि टेन 90 माइनस थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड अपॉन बेस, एल्टीट्यूड अपॉन बेस यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि एबी अपॉन, एबी अपॉन बीसी, एबी अपॉन बीसी, एबी
बीसी। अच्छा जरा यहां पे आना, तो एबी अपॉन बीसी कहां छपा है? यहां छपा है कॉट थीटा के सामने, कॉट थीटा के सामने एबी अपॉन बीसी छपा है। इसका मतलब क्या हुआ भैया? इसका मतलब ये हुआ कि टेन 90 माइनस थीटा जो एबी अपॉन बीसी होता है मेरे भाई, एबी माइनस एबी अपॉन बीसी होता है, वो एबी अपॉन बीसी नॉर्मल थीटा के लिए कॉट थीटा होता है। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये होगा भैया कि tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। ऐसे ही जब आप निकालोगे या ऐसे ही जब आप देखोगे या आप देख रहे हो तो cot 90 माइनस थीटा बता दो भाई, cot 90 माइनस थीटा बता दो मेरे भाई। cot 90 माइनस थीटा के लिए भैया ये देख रहे हैं, ये cot के लिए वैल्यू जो होता है बेस अपॉन एल्टीट्यूड होता है, यानी कि bc अपॉन ab। जरा देखो कि BC अपान ए बी कहां है, BC अपान ए बी ये है, BC अपान ए बी ये है जो कि tan थीटा के सामने लगा है, यानी कि 90 माइनस थीटा के लिए जो वैल्यू आज BC अपान ए बी दे रहा है वो ऑलरेडी tan थीटा के लिए है, मतलब cot 90 माइनस थीटा के लिए जो वैल्यू आज BC अपान ए बी हो रहा है मेरे भाई, वो देखो तो tan थीटा ऑलरेडी लेके बैठा है BC अपान ए बी, यानी कि cot 90 माइनस cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होगा tan थीटा। क्या होगा? tan थीटा। ओके, ये बात समझ में आई आपको? अगर ये बात समझ में आती है तो चलो यार फटाफट कर लेते हैं क्या, अब तो sec थीटा बचा, sec थीटा, लेकिन sec थीटा नहीं मेरे भाई, sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा। तो sec 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, यहां पे पहले तो ये बताओ कि sec थीटा बराबर क्या होता है। sec थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपान बेस। तो हाइपोटेनस ये है, आज बेस क्या है, ये है, तो हाइपोटेनस यानी कि AC अपान BC क्या होगा, AC अपान BC। और AC अपान BC देख लो कहां छपा है, AC अपान BC आज जो छपा है मेरे भाई वो cosec थीटा के पास छपा है, यानी कि sec 90 माइनस थीटा जो होगा वो किसके बराबर होगा, cosec थीटा के बराबर होगा, किसके, cosec थीटा के बराबर होगा, cosec थीटा के बराबर होगा। ऐसे ही अगर हम cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा की बात करें, cosec 90 माइनस थीटा की बात करें, तो जरा सबसे पहले हमें ये बताओ कि cosec थीटा इज इक्वल टू होता क्या, cosec थीटा इज इक्वल टू भैया होता है हाइपोटेनस अपान एल्टीट्यूड। का मतलब होगा एसी अपान एबी। ये बात समझ में आती है? अगर एसी अपान ए बी होता, जरा देखो यहां पे कहां छपा है, एसी अपान ए बी को आज sec थीटा के सामने पहले से ही लेके बैठा है ये, तो यहां पे हो जाएगा sec थीटा। तो मेरे भाई आपको ये बात समझ में आई होगी कि कैसे 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, और cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू sec थीटा होता है। ओके, तो बहुत ही मजेदार चीज थी ये, बहुत ही जबरदस्त चीज थी। एक छोटा सा अगर आप दिमाग लगाते हैं कहां पे, वो दिमाग आपको यहां पे लगाना है, वो दिमाग आपको यहां पे लगाना है कि भाई एबीसी एक अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल होता है, वो राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें हम इसको थीटा मान के बैठे होते हैं। अगर ये थीटा है, ये 90 है, तो ये क्या होगा, दिस विल बी 90 माइनस थीटा। इजली ईच एंड एवरीबॉडी कैन से, इजली कैन से भाई कि इफ दिस विल बी 90 डिग्री एंड दिस विल बी थीटा, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस, 90 माइनस थीटा। क्यों? इसलिए क्योंकि द सम ऑफ टोटल इंटीरियर एंगल ऑफ एनी ट्रायंगल, ये तो भाई राइट एंगल ट्रायंगल है ही, तो राइट एंगल ट्रायंगल का क्या होता है, 180 डिग्री होता है, और 180 में से जब आप 90 को घटा दोगे तो क्या बचेगा भाई, केवल 90 बचेगा। अब अगर इन दोनों की वैल्यू 90 है और ये थीटा दे दिया गया है, तो इसका मतलब ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा। जब ये 90 माइनस थीटा आ गया, तो फटाफट अब इसके लिए वैल्यू निकाल के बैठो। इसके लिए जब हम वैल्यू निकाल के बैठते गए, तो हमने देखा कि जब हमने 90 माइनस थीटा के लिए वैल्यू निकाली, तो हमने देखा कि AB अपान AC आ रहा है, लेकिन वो AB अपान AC ऑलरेडी कौन लेके बैठा था, cos थीटा लेके बैठा था, तो इसलिए ये यहां से कनेक्ट कर गया। ओके, वैसे ही जब cos थीटा हमने देखा, तो ये sin थीटा लेके बैठा था, ये यहां से कनेक्ट कर गया। ओके,
वैसे ही हमने देखा कि जो cot थीटा, जो tan थीटा था, tan थीटा था वो cot थीटा की वैल्यू लेके बैठा था और जो cot थीटा था वो tan थीटा की वैल्यू लेके बैठा था, तो इसलिए ये एक दूसरे को कनेक्ट करते चले गए। वैसे ही मेरे भाई ये जो sec थीटा था वो cosec थीटा की वैल्यू लेके बैठा था और जो cosec थीटा है, जो cosec थीटा है वो sec थीटा की वैल्यू लेके बैठा था। ना हो तो यहीं से आप मिला लो। इसीलिए मैंने इन सारी चीजों को, इन सारी चीजों को एक ही बोर्ड पे करने की कोशिश करी। ओके, तो मुझे लगता है कि ये वाला पोर्शन आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इस बोर्ड को करते हैं क्लीन और ये वाला फार्मूला हम आपको दे देते हैं। ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला हम आपको यही कॉर्नर में दे देते हैं, जिससे कि आपको ये आइडिया लगता रहे कि अब की बार हम अगर इस तरीके का फार्मूला लगाते हैं तो क्या निकल के आएगा। तो अब करते हैं बोर्ड को क्लीन और लेते हैं हम लोग कुछ अच्छे अच्छे वैरायटी के क्वेश्चंस। ओके, जिससे कि आपकी इस टॉपिक की प्रैक्टिस हो जाए। ओके, अब क्या हुआ कि जब मैंने आपको साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में आइडिया दे दिया, तो उन क्वेश्चंस को लिए जिनको देखकर ही आप तुरंत डर जाते हो, अरे भैया ये तो 81 अंश लिखा है, ये तो क्या लिखा है, 81 डिग्री लिखा है, ये तो 9 डिग्री लिखा है, ये तो 31 डिग्री लिखा है या 51 डिग्री लिखा है, भैया हमसे नहीं हो पाएगा। कॉसेक यहाँ पे 47 डिग्री लिखा है, यहाँ पे 43 डिग्री लिखा है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 18 डिग्री लिखा है और यहाँ पे देखिए 8 डिग्री, भैया हमसे नहीं हो पाएगा यार। अरे यार हो जाएगा, तुम अपने ऊपर विश्वास रखो। बस देखो इधर आओ, जल्दी से आओ। साइन 18 डिग्री को क्या लिख सकते हो, ये बताओ भैया। इसको तो हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 72 डिग्री, साइन 90 माइनस 72 डिग्री, और नीचे क्या है, कॉस 72 डिग्री है, कॉस 72 डिग्री। अच्छा जरा ये बताओ हमें कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, बोलो भैया, तो कॉस थीटा होता है यार। तो बस यहाँ पे थीटा क्या है ये बताओ, थीटा तो ये है ना भाई, 90 माइनस थीटा तो थीटा 72 है, इसका मतलब साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस 72 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब ये बताओ कॉस 72 जब गया तो बचा कितना, एक ना, तो इसका मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस में कभी भी आएगा मेरे भाई, तो इतना आप जान लेना कि वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा एक ही देगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू जो होती है वो अल्टीमेटली उतनी ही जाके सेट हो जाती है जितना ऊपर या नीचे आप जिसको भी बदल रहे होते हैं। अगर जैसे आप नोमिनेटर यानी ऊपर वाला अंश को बदल रहे हैं तो डिनोमिनेटर यानी कि हर के बराबर अपने आप हो जाएगा। जैसे इसमें देखो sec 8, तो भाई sec 8 को तुम क्या लिख सकते हो, sec 90 माइनस 82 लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ पहले, sec 90 डिग्री माइनस 82 डिग्री अपान में क्या है, यहाँ पे cosec है, cosec कितना है 82 डिग्री। अच्छा ये बताओ जरा हमें, ये बताओ कि sec थीटा इज इक्वल टू sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cosec थीटा होता है, देखो sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा, तो अगर cosec थीटा होता है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हो गया cosec 82 डिग्री अपॉन cosec 82 डिग्री, तो cosec 82 कितना हो गया, 1 हो गया। मुझे लगता है आपको आइडिया आ गया होगा। ओके, अगर आपको आइडिया आ गया हो मेरे भाई तो चलो इसका बता दो पॉज करके, ये बताओ जरा कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, भैया कॉस थीटा होता है, जो तो यहां पे क्या हो जाएगा, कॉस 59 अपान कॉस 59, तो ये दोनों गया, ये भी आ गया कितना, 1 आ गया। ओके, तो अगर ये 1 आ गया मेरे भाई तो चलो इसमें बता दो, इसमें tan 81 को क्या लिख सकते हो, 90 माइनस 9, बोलो हाँ या ना, ये हो जाएगा क्या, cot 9। ओके, अगर ये बात आपको समझ में आई तो जरा हमें ये बताओ कि tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा, वेरी गुड, cot 9 अपान cot 9, तो cot गया बराबर आया कितना, एक पक्का,
चलो गुड, अब इधर आओ इधर आओ, इसको तो खुद लगा लो यार, इसको लगा लो। फिर क्या यार, फिर हम ही सब कर रहे हैं। अच्छा चलो, कॉसेक 47 को क्या लिख सकते हैं? कॉसेक 47 को लिख सकते हैं कॉसेक 90 - 43, कॉसेक 90 - 43 अपान sec 90 - 43। तो ये दोनों गए तो आया कितना, 1 आया। तो इसका मतलब इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस होंगे, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन होंगे तो आप फटाफट निकाल लोगे। ओके, अब चलो इसके बाद एक छोटा सा जबरदस्त क्वेश्चन लेते हैं, उसको देख के आपको बड़ी गुड फीलिंग आएगी। तो अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा है ये थोड़ा सा डिफरेंट कैसे है कि भाई cos 53 डिग्री माइनस साइन 37 डिग्री, तो किसी एक को चेंज कर दो। ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, ऐसे क्वेश्चन में किसी एक को चेंज कर दोगे मेरे भाई ना, तो अल्टीमेटली वो अपने है ना अगले वाले के बराबर हो जाएगा। चलो जल्दी से आओ इसको देखें, cos 50, तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, cos 53 डिग्री को, और यहां पे क्या लिखा है, साइन 37 डिग्री लिखा है। बोलो भाई, अब क्या करें कि किसी एक को चेंज कर दो। चलो पहले वाले को चेंज कर दो, cos 90 - 37 कर दे, क्या cos 90 - 37 कर दे, और यहां पे माइनस साइन 37 है ही, साइन 37 है ही। अब देखो cos 90 - थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, cos 90 - थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है। ओके, तो अगर साइन थीटा होता है तो cos 90 - थीटा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, साइन 37, और यहां पे माइनस 37 पहले से ही है, तो -37 डिग्री ये दोनों कैंसिल आउट होकर आंसर कितना आ जाएगा, 0। यानी कि कभी भी अगर प्लस माइनस के साथ आए तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी ये बनती है कि वो सारे के सारे अपने आप को कैंसिल आउट कर देते हैं, और कैंसिल आउट करने के बाद जो आंसर आता है अपना वो आंसर 0 आ जाता है। वैसे ही ये वाला क्वेश्चन देखो जरा, तो ये वाला, इस वाले क्वेश्चन में चाहे ऊपर वाले को चेंज कर दो चाहे नीचे वाले को, तो ये बताओ कि साइन 36 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 36 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 - 54 अपान कॉस 54 प्लस कॉस 36 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 - 54। बोलो है ना, अपान साइन 54। अब देखो ये जो साइन 90 है, ये जो साइन 90 - 54 है, तो इसको हम कॉस 54 अपान कॉस 54 प्लस यहां पे साइन 54 अपान साइन 54। अब ये दोनों गया तो क्या क्या हो गया, 1 + 1 इज इक्वल टू कितना है, 2 है। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना कुछ आपको मैंने बताया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में बताया, ये लगभग 10-12-15 मिनट की जो वीडियो बनी होगी इसमें आपको इतना तो आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी मेरे भाई, कि आज के बाद कभी भी अगर इस तरीके की बात होती है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात होती है, तो आपका दिमाग चलने लगेगा। चलो ठीक है, अब आज हम यही तक करते हैं इस वाले सेशन को, यानी कि डे 8 में, ट्रिग्नोमेट्री के डे 8 में आज हम लोगों ने क्या सीखा, द रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ओके, चलो तो अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और करते हैं कुछ और गजब की बातें। तब तक के लिए आप जहां गए भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और ट्रिग्नोमेट्री को बूस्ट करते रहिए। ओके, चलिए।